हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ तलोजा खारघर फ्लाईओवर के पास देखने के लिए यहाँ का करंट स्टेटस क्या है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये तलोजा का पहले का बना हुआ फ्लाईओवर, और उसके ही आगे ये देख सकते हैं ये डेक का पोर्शन रखा गया है। ये सामने जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं, पहले ये नहीं था, इसको अभी जोड़ दिया गया डेक के पोर्शन को। और उसके आगे जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये जो मेटल का डेक का पोर्शन रखा गया है, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, उसके आगे भी आप देख सकते हैं जो डेक का पोर्शन है, अब ये पिलर के ऊपर पे जो पॉइंट आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पियर्स के ऊपर नहीं रखा गया था डेक का पोर्शन, जो कि अभी उसको भी रख दिया गया है। ये है तलोजा के साइड में दोस्तों, तो तलोजा के साइड से अभी इतना काम हो गया है। चलिए चलते हैं खारघर के तरफ। दोस्तों, रेलवे क्रॉसिंग करने के बाद ये सेक्शन देख सकते हैं आप, जिसका जो डेक का पोर्शन है वो रख दिया गया है। और उसके बाद में आगे ये डाइवर्जन किया हुआ रोड आप देख सकते हैं, डाइवर्जन किया हुआ सेक्शन, ये अभी बाकी है डेक का पोर्शन रखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये डेक का पोर्शन रखना बाकी है जहाँ से डाइवर्जन किया हुआ है। और ये मेन सेक्शन है नेशनल हाईवे के बीच के सेंटर का पोर्शन है दोस्तों, जो कि अभी भी काम चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, काम रुका नहीं है। जो अभी सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, अभी इसी सेक्शन के ऊपर दिया जा रहा है जो कि सेंटर पे है, नेशनल हाईवे पे। और अभी भी काम चल रहा है, और इसका भी काम दोस्तों अभी चल रहा है। डेक का पोर्शन रख दिया गया है, और ऊपर जो रोड का कंस्ट्रक्शन है उसका काम चल रहा है अभी। और दोस्तों, उसके बाद में आप ये देखेंगे, ये दूसरा डाइवर्जन जो कि पनवेल से मुमरा की तरफ जाता है, तो उसमें बीच में दोस्तों ये अभी सेक्शन डेक के पोर्शन के लिए बचा हुआ है। और उसके आगे जो आप देख सकते हैं, पहले से खारघर की तरफ जो एग्जिट करेगा वो ब्रिज बन के रेडी था, तो अभी उसके ऊपर का काम जो है वो पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है। और ये सिर्फ पूरे ब्रिज में दोस्तों आप देखेंगे, ये खारघर की तरफ से चालू होता है ये, और उसके बाद ये एक सेक्शन बचा है डेक के पोर्शन का, उसके बाद ये पूरा ब्रिज है। और उसके आगे जो दूसरा सेक्शन आप देख सकते हैं, उसमें भी डेक का पोर्शन रखना बाकी है। उसके अलावा जो जितने भी काम थे वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये पूरे ब्रिज के बारे में, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ दूर से। तो गाइस, ये तलोजा का साइड है, तो यहाँ पर सिर्फ अभी आप ये देख सकते हैं जो ये एक पोर्शन है जिसपे डेक का काम बाकी है, वही एक बाकी है। उसके अलावा ये दूसरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, दोनों जो रास्ता डाइवर्जन किया गया है, उन्हीं के दो पोर्शन बाकी अभी। और बाकी जो आप देख सकते हैं, काम अभी भी बारिश के टाइम पे चालू है, जो आप नेशनल हाईवे के सेंटर में देख रहे हो, ये जो बन रहा है ब्रिज का काम हो रहा है, जो उस पर आप देख सकते हैं अभी भी लोग काम पर लगे हुए हैं। और अब ये सिर्फ दो पोर्शन ही बाकी जो मैंने आपको बताया, नंबर एक ये डाइवर्जन जो कि मुमरा से पनवेल जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पनवेल से मुमरा जाता है। ये दोनों जो डाइवर्जन के लिए रोड छोड़े गए हैं, इधर ही पे अभी डेक का पोर्शन चढ़ाना बाकी है। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी काम थे डेक के पोर्शन के वो हो चुके हैं, अभी उसके ऊपर ब्रिज बनाने का काम चलेगा। दोस्तों, ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी रेन होने पर तलोजा बाईपास का जो अंडरग्राउंड है दोस्तों, जो तलोजा का अंडरग्राउंड का जो सबवे है वो पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से रोड बंद हो जाता है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा ब्रिज, तो काफ़ी इजी हो जाएगा लोगों को तलोजा से खारघर की तरफ जाने के लिए, और कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।